हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल कुक विद नगीना में। तो आज हम बनाने वाले हैं बचे हुए मैगी से कटलेट। तो चलिए देखते हैं कि इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। एक कप बची हुई मैगी, एक कप उबले हुए आलू, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, टेस्ट के हिसाब से नमक, एक कप मैदा और आधा कप चीज़। ये मैदा है और इसमें मैंने लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और ब्रेड क्रम्स मिलाया है और फ्राई करने के लिए तेल। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बाउल लेंगे और इसमें मैगी डालेंगे। आपके पास बची हुई मैगी नहीं है तो आप पहले से बनाकर रख भी सकते हैं और इसे ठंडा होने के बाद ही बना सकते हैं। उसके बाद आलू डालेंगे, आलू अगर ठंडा रहे तो इससे अच्छा कटलेट बनता है। नमक टेस्ट के हिसाब से डालेंगे और ये सारे मसाले डाल देंगे और मैदे और ब्रेड क्रम्स जो मसाले मिला हुआ ये डालेंगे। और उसके बाद चीज़ डाल देंगे। उसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है तो हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे। अब उसके बाद छोटे छोटे गोल कटलेट बना लेंगे। अपने हिसाब से बड़ा छोटा बना सकते हैं। इस तरह से सारे कटलेट बना लेंगे। एक पैन लेंगे, उसमें तेल डाल देंगे। तेल मेरा गरम हो रहा है। अब ये हमारा सारे कटलेट बनकर तैयार हो गए हैं। अब इनको फ्राई करेंगे। उसके बाद धीमी आंच कर देंगे, फिर इसको पलट देंगे। दोनों तरफ से इसको अच्छी तरह से कुरकुरे होने तक पकाएंगे। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा गोल्डन कलर आ गया है। इसी तरह दोनों तरफ से पकाएंगे। थोड़ी थोड़ी देर पर हिलाते रहें। अब इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये हमारा कटलेट बनकर तैयार हो गया है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे आपको अगली वीडियो में।